नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। और इस वक्त मैं आपके साथ ज्ञानु कुमार दीक्षित सबसे बड़ी खबर के साथ। महमूदाबाद सीतापुर, न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है अपना दल। एस का कार्यकर्ता नाम एपी सिंह उर्फ विजय कुमार वर्मा, पुत्र रामचंद्र वर्मा, पता मोहल्ला नई बाजार उत्तरी पोस्ट थाना तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर। सक्षम महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य नई दिल्ली दो जय कुमार सिंह जय की। कारागार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार लखनऊ द्वारा जिला उप जिला अधिकारी महमूदाबाद जिला सीतापुर के उपरोक्त दोनों ही माननीयों को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मेसर्स ऊषा भारत गैस सर्विस के खिलाफ अपनी शिकायत करते हुए एजेंसी मालिक एवं अन्य के खिलाफ न्यायिक जाँच करवाकर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोषियों व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें निवेदन किया है। शिकायतकर्ता की शिकायत है, मेरी माताजी श्रीमती वन्नो देवी उर्फ सीमा वर्मा पत्नी रामचंद्र वर्मा निवासी उपरोक्त में कुछ वर्ष पहले रसोई गैस कनेक्शन इंडियन गैस सर्विस तहसील बिस्वा जिला सीतापुर में कराया था। उस समय तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में कोई गैस एजेंसी नहीं थी। कुछ समय बाद तहसील महमूदाबाद में मेसर्स ऊषा भारत गैस सर्विस एजेंसी खुल गई, तो शिकायतकर्ता ने अपने गैस कनेक्शन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपने सारे दस्तावेज लेकर ऊषा भारत गैस सर्विस एजेंसी के मालिक अहिवरण सरोज के पास गया तथा अपनी समस्या का निदान करने के लिए निवेदन किया। उस वक्त ऊषा भारत गैस सर्विस एजेंसी का कार्य डॉक्टर राजा राम लोहिया परिसर सिधौली रोड महमूदाबाद जिला सीतापुर के किराए पर चल रहा था। अब तो मौजूदा ऊषा भारत गैस सर्विस एजेंसी अपनी निजी बिल्डिंग में मोहल्ला गायत्रीपुरम चीनी मिल रोड तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर मौजूद है। उस व्यक्त गैस मालिक ने शिकायतकर्ता के एक ना सुनी, तब शिकायतकर्ता ने एजेंसी मालिक अहिवरण सरोज से के खिलाफ संबंधित अधिकारी से शिकायत की और शिकायतकर्ता को गैस तो मिलने लगी मगर आपस में खटास पैदा हो गई और एजेंसी मालिक के द्वारा काफ़ी परेशानियों का सामना शिकायतकर्ता को करना पड़ा। कुछ समय बाद गैस एजेंसी मालिक ने फिर कुछ गड़बड़ कर दी। तब से लेकर आज तक शिकायतकर्ता के द्वारा तहसील महमूदाबाद से लेकर जिला सीतापुर तथा उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों के यहाँ शिकायत की मगर कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर में मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत करने के लिए भारत देश के सक्षम माननीय को ज्ञापन इस आशय में दिया कि हो सकता है कि शिकायतकर्ता को न्याय मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शिकायतकर्ता को बहुत कहां से था, कौन न्याय देगा, यह कहना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा, कभी भी भविष्य में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उपरोक्त जानकारी एपी सिंह उर्फ विजय कुमार वर्मा ने बड़ी बेबाकी के साथ मीडिया टीम को दी। ज्ञापन आज आपने दिया है एसडीएम साहब को, तो क्या कारण है, किन बिंदुओं पे आपने ज्ञापन दिया है? इसमें मुख्य कारण ये था कि 2010 में एक प्रकरण था जी, जिसमें हम लोगों ने आरटीआई मांगी थी जी, और कई लोगों के ऊपर माननीय सूचना आयोग से जुर्माने भी हुए हैं जी। तो मैं आरटीआई कार्यकर्ता था, तो उसमें जिलाधिकारी संजय कुमार जी थे, एसडीएम मनसाराम जी थे जी। तो जहाँ जाते थे वहाँ मतलब एफआईआर पिछड़ा वर्ग के लोगों के विरुद्ध कराते थे। तो मेरी माता जी के नाम गैस कनेक्शन था 39-24-67-57 वन्नो देवी और सीमा वर्मा पत्नी रामचंद्र वर्मा के नाम जी। तो इन्होंने दूसरी वन्नो देवी पत्नी श्यामलाल सोनी को खड़ा करके एफआईआर करा दी कि ये ट्रांसफर वाउचर हमने फ्रॉड लिया है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैंने पत्र भेजा और उनके पीएस से वार्ता हुई, तो उन्होंने विजिलेंस जांच का आदेश किया पेट्रोलियम मंत्रालय को जी। उनके आदेश पर 2011 में जांच रिपोर्ट आई कि कनेक्शन आपके नाम पाया गया, और इससे पहले मैं कोर्ट गया था तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि यह मामला सिविल नेचर का है और जिला उपभोक्ता फोरम को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
और अभी एक चिट्ठी हाल ही में आई है ये प्रादेशिक एरिया मैनेजर सोनोनी साहब की, इसमें साफ साफ सोनोनी साहब लिख रहे हैं कि अगर डीएम साहब आदेश कर दे तो इस कनेक्शन को मैं बहाल कर दूंगा। जी, किसी भी आईएएस ऑफिसर जिलाधिकारी को पावर नहीं है कि किसी का गैस कनेक्शन रोक दे। अच्छा, इसमें एफआईआर भी कराई गई और गैस कनेक्शन भी रोका गया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के एफआईआर किस टॉपिक पे कराई गई? एफआईआर इस टॉपिक पे कराई गई कि हमने उनकी गैस पासबुक मांग ली, वापस नहीं किया गया। इस टॉपिक पर एसडीएम ने एक फर्जी जांच कराकर मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी और उसमें नियम यह है कि या तो गैस कनेक्शन बंद किया जाता या तो एफआईआर कराते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में एक मामले में दो दो सजाएं नहीं दी जाती, लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई। सीधे तौर पर जिलाधिकारी और एसपी सीतापुर ने अवमानना की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे गिरफ्तारी पर रोक लगाई और स्टे ऑर्डर में यह कहा कि गैस कनेक्शन पेपर का मामला है। जी। लेकिन चूंकि पुलिस विवेचना में तथ्यों को जोड़ घटोड़ करके चार्जशीट लगाती है, तो इस मामले में जैसे ही कनेक्शन बना, कैसे कह सकते हैं कि तथ्यों को आपके सामने टेरिटरी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है बीपीसीएल, उसका टपन दत्ता साहब विजिलेंस ऑफिसर है। किसी भी विभाग का विजिलेंस ऑफिसर एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, उसने कनेक्शन इनके माता जी के नाम है। नहीं, बात यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर जो आपने क्या कहा कि पुलिस जो है, हाँ, पुलिस है, जब कनेक्शन टॉपिक ये है, हाँ, तोड़ मरोड़ का मतलब ये, जैसे कनेक्शन मेरे नाम था तो आईओ को चाहिए था कि कनेक्शन के गैस पेपर किसके नाम है, इसके आधार पे वो काम करता। लेकिन उसने ये लिखा कि उप जिला अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट किया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कोई भी विवेचना अधिकारी ये नहीं कह सकता कि किसी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर हम चार्जशीट दे रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा था कि विवेचना अधिकारी उप जिला अधिकारी के दबाव में था। जी, पूरी तरीके से इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। जी, और मैं इसमें मानहानि का मुकदमा करीब 1 करोड़ के आसपास भी करूंगा। किस पे करेंगे मुकदमा? जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त रहे हैं, और 8 साल तक हम लोग मानसिक रूप से उत्पीड़ित हुए हैं। जी, और अभी मैंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी सूचित किया है। जी, और राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण आयुक्त नई दिल्ली को भी सूचित किया है कि इस मामले में मैं दिव्यांग हूँ, और सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को भी मैंने कॉपी की है। जी, तो कुल मिलाकर के जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि संविधान से बढ़कर कोई है नहीं। जी, चाहे वो माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय हो, चाहे हम हो, तो हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर जब तक कार्य रहेगा, क्योंकि मैं भी कानपुर यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट हूँ, इसलिए कानून का पूरा सम्मान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो जिलाधिकारी महोदय सीतापुर इस मामले में करें और हमें न्याय दिलाए। उप जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? उप जिलाधिकारी महोदय बहुत सम्माननीय रहे हैं। जी। और बाराबंकी में तहसीलदार साहब महमूदाबाद के में एक अच्छी छवि है। जी। उन्होंने बड़ा सम्मान दिया और ज्ञापन भी आपके सामने लिया। जी। और उन्होंने तुरंत मुझे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए उसकी पत्नी मुझे दी। जी। और मैं बड़ा सराहनीय रूप से उप जिलाधिकारी महोदय का कृतज्ञ हूँ कि दिव्यांग होने के बाद उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। और आप मीडिया भाइयों और विशेषकर हमारे गुरु जी श्री रमेश वाजपेयी जी, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसलिए आप चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आप लोगों की भी सराहना और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी जी, आपका शुभ नाम आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा असली नाम एपी सिंह है, घर का नाम विजय कुमार है, तो लेटर पैड पर एपी सिंह और विजय कुमार है। एपी सिंह मीन्स क्या हुआ? एपी सिंह शॉर्ट नेम है, अरितेश प्रताप सिंह। जी, और मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ युवा मंच अपना दल जनपद सीतापुर। जी। और एक राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, इसका मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानवाधिकार पर कार्य करना और पर्यावरण पर कार्य करना, ऐसे तमाम भी तथ्य हैं और जिनकी मैं समीक्षा करता रहता हूँ। और निवास स्थान आपका कहाँ पे? हमारा निवास स्थान जो कैंप कार्यालय बना रखा है, माता पिता की कृपा से माता पिता का है, और नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड महमूदाबाद सीतापुर। थैंक यू।